एक दिन स्वामी जी प्रवचन में कह रहे थे, जब आप मॉल में जाते हैं तो मोल भाव करते नहीं, सब्जी वालों के साथ आप मोल भाव करते हैं। कुछ चीज़ें कहने में सोचना ज़रूरी है। सब्जी वाले अनाप शनाप दाम भी बताया करते हैं, तो क्या हम वो अनाप शनाप दाम चुका दें? मॉल में बकायदा एक एक चीज़ के दाम वज़न लिखा होता है। यहाँ आपसे कोई अनाप शनाप चार्ज कर ही नहीं सकता, तो इस तरह की बात कहीं भी लॉजिकली नहीं लगती। यहाँ आप आएंगे, आपको सब कुछ ताज़ा फ्रेश और लिखे हुए दामों से उपलब्ध होगा। इसके बाद आप नहीं भी खरीदेंगे तो किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आएगी। सब्जी वाले या जो भी इस तरह के दुकानदार हैं, वहाँ अगर आपको प्राइस ज़्यादा लगते हैं, आप नहीं खरीदते, तो फिर उनके चेहरे पर जो शिकन आती है, मुफ्त में आप गिल्टी फील किया करते हैं। मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो छोटे दुकानदार नुकसान में रहे, पर बातें सही तरीके से होंगी तो हमेशा अच्छी इनकम होगी। ये मैंने हमेशा ज़िंदगी भर नोट किया है। इस पर फिर भी मैं कभी स्पष्ट रूप से एक बड़ा चलचित्र तैयार करके बता दूंगा कि किस तरह से और कौन हुआ कम दाम में सामान बेचने वाले ज़्यादा अमीर हुए और दूसरों को भी खुशियां प्राप्त हुई। मैं इस पर ज़रूर एक बार पूरी तरह से स्पष्टीकरण दूंगा।